प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय। व्हाट इज गुड ऑल द टाइम, व्हाट इज गुड ऑल द टाइम, व्हाट इज गुड। लास्ट मीटिंग स्टार्ट करने से क्वेश्चन है ये पास्टर को रिजाम हम सबको यीशु मसीह के को जीता था, यीशु मसीह के कदा राइट। अब तुम कदा है राइट से अपना जीसस। अब इमेजिन करो तुम अपना एक जानवर हो, जितना भी दुनिया में जानवर ऐसा क्रिश्चियन आसमान में पानी में जमीन में कहीं भी कौन जानवर तुम मानता रे सोचो अपने बोलो कौन सी मानता भाई ये कर गधा राइट चलो बेहार आओ बंदे लगे कौन जानवर मानता भाई हमरे घर में तो घोड़ा भाई कोई जंगली मांगी शेर कोई जंगली मांगी लायन टैक में बसता है। तो आज हम के बच्चे ने जानवर के ऊपर बाइबल हम के बताओ है कौन जानवर के हम रहे कि ना सब आज बकरे हमें जाएंगे धन्यवाद कर परमेश्वर इस दर्शन के लिए प्रभु इस मुझे आपके वचन को बांटने के मौका मिला मान के प्रभु किस मनुष्य के बड़े जो है तो दुआ के बड़े सर परमेश्वर और सब के जीवन को काटे जाते और बड़े परमेश्वर सही राह दिखाए परमेश्वर की प्यार दिलाने वाला है और हम लोग छूट ना जाए मान के अपने लोग नीचे परमेश्वर सभी को डाल कर परमेश्वर मुझे भी डाल ताकि आपके सही वचन को मैं के नाम से स्पर्धविधि को चाहते हैं राइट। कोई बोलिस बंदर कोई बोलिस गधा कोई बोलिस ईगल कोई बोलिस घोड़ा बाइबल में बताया सम 103 वर्स 5 हु सेटिस्फाइज यू विद दैट योर यूथ इज रिन्यूड लाइक एन ईगल। बाइबल में द वर्ड ईगल इट वन एक जानवर है ईगल हिंदी में ईगल कहो हिंदी फिजी बोलता बाज शुभ हिंदी में बोलता उका हिंदी बोलता बाज शुभ हिंदी बोलता उका। तो अभी हम यू यूज करेगा वर्ड उका सब कोई बोलो उका जो जो उका उका इका नहीं उका उका ईगल वैसे लो तो बाइबल में ईगल 52 टाइम्स मेंशन ईगल सब कोई उका के देखी से तो हम होंगे ऐसा क्रिश्चियन एक उका करेगा अपन लाइफ रहेगी उका करेगा एक ईगल करेगा। तो आज हम ब्रीचिंग पूरा है उका के बारे में हेड टू टेल उका कैसे रहे और हम होंगे भी कैसे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड एक दूसरे देख के बोलो हाई फाइव मारो इसे बोलो हाई फाइव जगा है कि सुता है सब कोई जगा है हाई फाइव मारो बोलो उका उका बोलो उका। जब जब बोले उका अपन अपन पांव में उठाए कैसे उठाना होगा उका कैसे पकड़ा कर मिला नहीं उका उठा 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 उका सबके हाथ में पांव लिए हुए पांव लिए का उका ले के ले उका ले चलो उका उका नहीं उका हम जाएगा ऐसा 40 बेस 31 ऐसा 40 बेस 31 ऐसा 40 बेस 31 में बताएं But they who wait for the Lord shall renew their strength. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall mount up with the wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Eagle, सबसे ताकतवर जानवर है। हम भी फिजी में नहीं थे, आप उसे मैं डॉक्यूमेंट्री में देखो ईगल बहुत बड़ा है। ईगल सके एक कसी के ऊपर लेते हैं पार्ट इतना लोगों का स्थान है उनके विंग जो पकड़ा है ईगल है 1.5 मीटर लंबा ईगल है 1.5 मीटर लंबा बड़ा ताकतवर एक उपाय है कभी थके नहीं है कभी हार नहीं माने। और ईगल के सबसे मेन चीज है उसके माइंडसेट। सब पर बोलो माइंडसेट, माइंडसेट दोनों में लिखे लिखो चीज माइंडसेट। हम के माइंडसेट एक ईगल कर रहा है कोई हम लास्ट टाइम भी टीचिंग कर रहा माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट के बारे में हम के बाबा में इतना देर से बताए वी शुड हैव अ चेंज द माइंडसेट। हम के अपन दिमाग की चेंज करें। मार्क 12 वर्स 30 यू शैल लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट सोल एंड योर Isaiah 26 verse 3 You keep him in perfect peace whose mind is stayed upon you. Romans 12 verse 2 Do not be conformed to this world but transformed by the renewal of your mind.
माइंड कौन के पास यहाँ पे माइंड नहीं है, माइंड के मतलब है दिमाग। एक दूसरे चेक करो दिमाग नहीं सकते गगन देवाल एक खोपड़ी है उनके पास दिमाग भी है प्रेज़ द लॉर्ड माइंड से। अब हम के अपन माइंड से के चेंज करेंगे प्रेज़ द लॉर्ड उका कोच करे हाथ में रेडी रखा पत्ती पाम संडे उका हिलाए है तो माइंड सेट के ऊपर हम खेले तो हम के माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग देखेगा एक ईगल के माइंड सेट कैसे प्रेज़ द लॉर्ड मतलब जाने की नहीं ईगल के बात है ईगल के जो माइंडसेट है एकदम स्ट्रॉन्ग है एकदम फोकस्ड है। अगर टारगेट है हमारे यहाँ टारगेट है कुछ भी करके हम टारगेट अचीव करें चाहे तूफान हो चाहे पानी हो हमें भी भूख लगे हम ईगल है हमें थका हुए हमें मिला रैबिट हुआ नया बैठा अब जाए उसके खाओ कुछ भी हो भूखा जाए वो नहीं हो चाहिए तूफान है पानी है बिक जाएगा ना माइंडसेट फोकस हम मकसद वहां है हम वहीं पे जाए प्रभु की जय मकसद अपन पूर्ण करें तो हम के माइंडसेट हम लाइक स्टोरी ऑफ जोशुआ जोशुआ के स्टोरी आवे जब लोग इसराइलाइट्स के लेके यात्रा वॉल्स ऑफ जेरिको वॉल्स ऑफ जेरिको में एक बड़का वॉल है बड़का वॉल 6 एकड़ है बड़का है राइट फ्रंट से वॉल कोई नहीं समझता है वॉल से आगे बड़का गड्ढा है 9 फीट गहरा है 9 फीट अमुक से बहुत ऊंचा है उसमें तुम लोग कूद के चढ़ के निकल के फिर दीवार है दीवार के इस साइड बोले बड़का बड़का हामी खड़ा और इसराइलाइट के काम है कि क्रॉस करो वॉल ऑफ जेरिको बट एक रुकावट आएगी राइट एक रुकावट आएगी और प्रभु जोशुआ के बताई से कुछ बताई जोशुआ अपन इसराइलाइट लोगों के लेके करी राइट थ्रोन से राउंड मार अब एक नॉर्मल इंसान हमारा तुम्हारे को अगर सोची कि एक दीवार है अगर ये दीवार है राइट पास्टर बताइए यस युद्ध लोग के लेके ये दीवार तोड़ो तो हम युद्ध लोग के लेके बोले चलिए राम मारे कोई सेंस में तो ठीक हम के माइंडसेट बोले कौन सी नहीं सके हम के माइंडसेट बोले नहीं सके बट प्रभु अलग रकम सोचे प्रेस प्रभु के माइंडसेट और कुछ है बोले हम के सोच धरती और प्रभु की सोच आसमान इतना भारी फर्क है तो द प्रभु उनका प्रत्येक राउंड हो 7 डेज वन डे फर्स्ट डे एक राउंड सेकंड डे अपना राउंड थर्ड डे अपना राउंड 7 डे में 7 राउंड मार के एकदम जोर से बोले जोर से चिल्लाए चिल्ला जो क्या ट्रम्पट है फूको जो भी बता रहे करो जोर अब हम और तुम सोचो वॉल्स ऑफ जेरिको इतना स्ट्रॉन्ग वॉल हम उनके माइंड हम उनके दिमाग को नहीं सके हम उनके दिमाग नहीं सके हम उनके फूके राम फूके नहीं टूटे कुछ नहीं टूटे बट जब प्रभु बोले कि टूटी उसके नजला पे पहुंच कि प्रभु के दिमाग और कुछ है हम के अपन दिमाग के रिन्यू करे पड़ी अपन सोच नहीं रखो प्रभु की सोच में रखो प्रेज द लॉर्ड। तो जब 7 डेरा हम सब को राम मारी राम मारी 7 राउंड मारी 7 प्रीस्ट लोग रहा 7 कंपट रहे लोग फूकी सब इस लाइक और चिल्लाए इस जोर फुल बोल सब फुट के जीने प्रभु के माइंडसेट प्रभु की जय इतना सुंदर हम लोग इंसान के सोच कौन सी रहता कि नहीं सको नहीं सको हम रहता हम नमा उठा हमारे लगता हिलती रहे कोसता कुछ करता बट प्रभु बोले इस करी चलो और चिल्ला कोई के ना हामा इस ना कोई के कुछ दुख है ना कोई के तरह पर चलो और चिल्ला चलो और चिल्ला बस इतना सिंपल वेलकम प्रभु हम के लाइफ सिंपल हो कि जब हम अपन दिमाग नहीं यूज करेंगे हम किसके दिमाग यूज करेंगे सब कोई बोलो प्रभु के दिमाग प्रभु के दिमाग हम यूज करेंगे प्रभु की जय आमीन प्रभु की जय आमीन प्रभु के दिमाग सेकंड स्टोरी बुक ऑफ जोना में हमके जोना की स्टोरी है जोना एक बहुत सुंदर कैरेक्टर एक प्रोफेट रहा प्रभु के वचन बांटता था एक प्रॉन बांटता तो एक विलेज रहा उस विलेज के नाम रहा नीनीवे नीनीवे में कुछ रहा बहुत भारी पाप रहा एक्स्ट्रा प्रभु एकदम गुस्सा है जोना कहते जोना तुम जाओ वहां पे वचन बांटो अगर ये लोग अपन लाइफ नहीं चेंज करिए पूरा लोग नाश कर अब जोना के माइंडसेट को जोने इतना पापी लोग है इतना पापी लोग है हम नहीं जाए हम जाते नहीं करेगा कौन सी करी जोना रिवेश रिवेश जाए कपड़ा अपना भर के बहुत बैठ के रिवेश जोना के जाए के उधर पर जोना जाए लगा इधर कौन के माइंड यूज करता है जोना अपन माइंड एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माइंड तब जोना अपन खत्ता का बैठ करके जावे बोट में बैठ के अब जब अपन माइंडसेट यूज करे लगा अब प्रभु उसके दिस एक चक्की चक्की में कौन सी पे
सबके में पे आई गई बड़ा तूफान, पानी रुकते नहीं है, अभी लोग मालूम ना करे कौन है, कौन है, कौन सा कह रहे। तब जाए बाद में इंफॉर्मेशन करके पता चला कि जोना यीशु मसीह प्रभु के बाद में सुनी से अब वही पीछे आए सब को जोना को देख भी इस पानी में तूफान रुक गई, तूफान रुक गई। अब जोना एकदम डूबे लाए, अब प्रभु बेच दी से फड़का लगाओ कावा नहीं तो वही बेच दी चपल लिलिस लिलिस जोना जोना लिलिस। अब जोना मछली के पेट में बैठा है, अब बैठ के फंसाता रहा तो सबसे हम लोग बेगल के पेट में प्रभु 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 जो चीज बोलिस बोले प्रभु जी नहीं सके हुए, बहुत पापी है, हम कुछ बोल दो कितना प्रार्थना कर दो नहीं सके जाएंगे प्रभु लौट ली। बट प्रभु बोले जोना तुम चल नहीं सुनिस। जब मछली इसके मुंह में सूख के जमीन में लाई आप जोना गए। अच्छा हम कर देने तो पता नहीं और कौन सी निली सोचा रहा जोना पता नहीं और कौन सी निली है। तब जोना गए निनवे में प्रचार करिस, तीन रोज प्रचार करिस, सबके लाइफ चेंज पे सब कोई प्रभु यीशु से फॉरगिवनेस मांगिस और सब पे ना पर लाइफ चेंज कर कौन के दिमाग यूज करिस प्रभु के दिमाग हम के अपन दिमाग यूज करेगा जैसे जोना भगे लगा रहा है प्रभु उनके दिस मची एक चक्की। अब हम लोग भी जब भगे लगता है तभी से प्रभु हम लोग के भी देवे एक चक्की। इला हम पहले भी बताया सब कुछ सोचे सब कुछ हम छोटा हम एक कार्टून देखा रहा अलादीन, अलादीन में जीनी ला चीज रहे तो जब अलादीन कुछ मांगे जीनी से ऐसे 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 करिए तो जीनी आए हाँ बोलो सरकार कौन सी है तुम कौन सी मनता है तुम तीन विष है तो अलादीन बोलते हम ये मनता वो मनता ये मनता ना तो हम लोग भी सोचता है यीशु मसीह एक जीनी है हम लोग प्रभु के दिमाग में यूज करेंगे हम के इसके दिमाग यूज करेंगे हम के सॉरी अपन दिमाग में यूज करेंगे हम के प्रभु हमारे और तुम्हारे विरोध में कौन व्हेन गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस Romans 8 verse 37 और हम इन सारे बातों में विजय से भी बढ़कर है इला लास्ट टाइम में बताया और हम इन सारे बातों में विजय से भी बढ़कर है। विजय का मतलब पहुंचे विजय का मतलब पहुंचे विक्टोरियस वी आर विक्टोरियस जीत हासिल होए बट बाइबल बताए रुको रुको खाली जीत नहीं जीत से भी बढ़कर आप बोल सके जीत से भी बढ़कर पहुंचे ऑलरेडी जीत गया है जीत से भी बढ़कर पहुंचे तो हम आप लोग के लास्ट में बता रहा इला वर्ड को जी सी से स्टार्ट चैंपियन चैंपियन या प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु के हम लोग माइंडसेट यूज करने लगेगा अपन इंसान का माइंडसेट पीछे रख के प्रभु के माइंडसेट लेके हम लोग बढ़ते जाएगा आगे आगे पीछे नहीं मुड़ के देखेगा प्रेज द लॉर्ड हम चैंपियन होंगे प्रभु की जय विजय से भी बढ़कर रहे प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग के साथ टाइम विजय से भी बढ़कर हम लोग जानो हम वी आर विक्टोरियस ऑलरेडी वी आर विक्टोरियस हम ऑलरेडी विक्टोरियस बट कभी हम के प्रभु के जो बॉडी फॉर्म है फेस इज ईगल के कौन सी ना माइंड सेट ईगल के माइंड सेट। बाइबल में इतना ढेर स्टोरी है अबाउट माइंड सेट। मोसेस की स्टोरी अगर हम फिर दें मोसेस रेड सी पीछे से आवे फेरो के आमे अब यीशु प्रभु मोसेस लोग यहाँ रह गए अब मोसेस सोचता था प्रभु यहाँ पीछे सावे बड़का शिक्षक आमीन यहाँ से इतना बड़का समुद्र कौन सी करी प्रभु कौन सी करी और कोई लीडर रहता अभी के टाइम में छोड़ के भाग जाता पौड़े लगता पहाड़ चले लगता गड्ढा खोद के लुके लगता बट मोसेस अपन दिमाग नहीं यूज करे सब को दे शांति रहो भी प्रभु रास्ता करे प्रभु कौन रास्ता करी स्पेशल इतना बड़ा चमत्कार करी उसी का समुद्र के खोल दे स्पेशल किसके दिमाग यूज करके हम और तुम रहता हम इमेजिन करता हम रहता हम मोसेस रहता हम पौड़े लगता समुद्र भागता भागे लगता क्या लगे बिकॉज
मन भी शरीर रहता है, आप लोग भी सोचो अंदर आप लोग इतना भागे रहता है, भागे रहता है, सरेंडर करता है, बिकॉज सबसे ताकतवर आर्मी भी आवे कोई रास्ता भागे नहीं है और भड़का समुद्र रेड सी कुछ नहीं होगा अभी लगे, बट जब प्रभु साथ है हमारे विरोध कौन हो सकता है? जब प्रभु हमारे साथ है विरोध कौन हो सकता है? कौन से थे क्यों तो लोगों के माइंडसेट अपन सब टाइम चेंज करो, जितना भी लाइफ में उनके प्रॉब्लम आवे प्रभु के जितना भी सेवक लोग रहा सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, जितना भी जन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के सेवक तरीके से, जितना भी जन ओल्ड टेस्टमेंट में रहा सबके लाइफ में एक ना एक प्रॉब्लम है, सबकी एक ऐसे टाइम है एक सिचुएशन इम्पोसिबल था पर प्रभु वो इम्पोसिबल के चेंज करके कर दिस आई इम्पोसिबल, एक रास्ता बने जो पे सोच भी नहीं पाए इसके रास्ता है, कितना सुंदर मसीह के मुख से माइंडसेट। सेकंड थिंग ईगल के एक बहुत सुंदर आंखी है, सब बोलते आंखी है यार, ईगल के तो आंखी है बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है, अगर समझो एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है हम इतना ऊपर टेरेस में खड़ा है और नीचे 20 है हम देख लेगा 10 स्टोरी बिल्डिंग नीचे छोटा रहा 20 है वहां से हम देख ले कोई कम से देख पाए नहीं देख पाए, बट ईगल के वही सामान है उसके पूरा क्लियर है, जैसे हमें भी क्लियर है बाइबल क्लियर, ईगल के भी पूरा क्लियर दिखे जितना भी मीटर और 20 दिखा जितना 140 किलोमीटर ऊपर से 140 के दूर से अपन टारगेट देख ले ना विजन, अपन बोलो वो विजन विजन, अब हम के नेक्स्ट इज फेस रहा माइंडसेट याद करना, सेकंड रहा विजन, तो हम के सेकंड चीज देखे के विजन राइट, तो सेकंड किंग 6:17 सेकंड किंग 6:17 बताया एन एलिशा प्रेड एंड सेड ओ लॉर्ड प्लीज ओपन हिज आईज सो ही कैन सी, ओ लॉर्ड प्लीज ओपन हिज आईज सो ही कैन सी, ओपन हिज व्हाट सी आईज, ओपन हिज आईज, हम के अपन विजन अपन आंख खोले पड़ी है चलो आप सबके बंदे हम के अपन आंख खोले पड़ी right, God is focused, God is focused, हम क्या अपन आँख खोले पड़ी, रोमन सेंटर दीवान में कौन सी बताए, प्रभु हमारे और हमारे विरोध में कौन हो सकता है, स्टीवन क्या स्टीवन आप राइट, हम के लाइफ में जब प्रॉब्लम आए लगे, हम के लाइफ में जब प्रॉब्लम आए लगे हम भक्ता स्टीवन हम सोचता है प्रभु यीशु मसीह हम के पीछे कभी नहीं छोड़ी हम क्यों ऐसी ऐसी कभी नहीं त्यागी सब प्रभु हमारे और है तुम्हारे में हो सकता है, अपन प्रॉब्लम याद करना ये अच्छी प्रभु साइड में नहीं खड़ा है, साइड में नहीं खड़ा है, जैसे लोग तीन जन के फाया में किसा शेड्रक मेशक और अबेदनगो में यीशु मसीह भाई खड़ा है आगे से नहीं दिखता रहा कहा रहा यीशु मसीह आगे के भीतर खड़ा रहा प्रेस लो आगे के भीतर हम के साथ साथ रही प्रभु की जय यीशु मसीह हम के साथ साथ God is very forceful. Forceful के मतलब अगर एक चोर आए, right? हमारे पास हम फाउंड है, बहुत दान में फाउंड है और एक चोर हाथ में चीन के भगे ले, right? तो अभी हम कौन सी करें? थोड़ा है, कि तुम्हारा फोन चोरी हो गया तुम बोले अच्छा ले ले दो ब्लेसिंग दे दिया उसके कोई करे तो अपन मोटर है कोई मोटर तुम्हारा चोरी कर लिया तुम पुलिस स्टेशन जाए कोचे घटना में मोटर को चोरी तुम्हारा लाइफ में कुछ जब चोरी कर ले हम के रिलैक्स में ऐसे नहीं बैठेगा अच्छा रही तो ब्लेसिंग दे दिया उसके
आसमान में रह पड़े। वही रकम हम के जब लाइन में बेटा लावे Ephesians 6 verse 2, the battle is not of the flesh and blood, but of the principalities, powers and spiritual forces. तो हम उनके भी लाइफ में जब प्रॉब्लम है, हम उन जमीन में नहीं लड़ो, हम उन आपको फिजिकली नहीं लड़ो, हम उन उसके उठाए के आसमान में लड़े पड़े, हम उनके स्पिरिचुअल रिलम में लड़े पड़े, स्पिरिचुअल रिलम में लड़े पड़े, मतलब हम उनके प्रार्थना उपास फास्टिंग से लड़े पड़े, ये नहीं कि मार पीट के खून निकाल कोई दुश्मन कुछ नहीं, हम उनके उपास प्रेयर और फास्टिंग में। Eagle's wing, English gaanam start den gaanam. Eagle's wing, sabda. I will soar on eagle's wing. Eagle's wing. अभी आप लोगों को बताएं, उकाब के पंख कितना लंबा है। तो जब उकाब के start हुए, उन्होंने के जब बनते, पोतला रहे, घोसला, nest. Nest में जब उन्होंने छोटा जो अंडा ना फूट के बच्चा लंबा है, अब बच्चा लोग कहता है, सीखे के कि कब उन्होंने उड़े start. उकाब को जगह उगा बच्चा के लिए जाए अपन पकना में से रख के ऊपर ले जाए और उनको छोड़ दे लोग गिरी 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 नहीं उठ पे जल्दी जाए फिर उठे पकना है फिर छोड़ दे ये लोग ट्राई करी उड़ेंगे ट्राई करी उड़े जल्दी जाए फिर उठे कत्तेरी जब तक लोग एक्चुअली में उड़ेला सीख नहीं गए तो वही ना काम हो के यीशु मसीह आओ के ले जाए एक जगह से दे दी कुछ मुसीबत पार कर वर्ल्ड में एक एक रिचा है जिसके पास 70 इयर्स लाइफ स्पेन 70 इयर्स और सब को 10 11 12 20 इयर्स 30 इयर्स में मर जाए है उनका 70 इयर्स उनके जीए मौका 70 इयर्स तब जब इलोन 40 इयर्स हो जाए उनका के पास एक बहुत बड़ा डिसीजन मेक करने का और ये डिसीजन थे कि हम जी कि हम मरे जब 40 इयर्स के हो जाए उनका उनके जो टोट लेवल बेड हो जाए ऐसे हो जाए दोनों के हम खुले नहीं उनके कुछ खाए भी नहीं मिलते लोग टोन ब्लॉक हो जाए 40 इयर्स पर तो 40 इयर्स के हो जाए लोग के नाखून लोग सा बोला कैसे हो जाए दोनों कुछ पकड़ भी नहीं पाते तो 40 इयर्स के हो जाए लोग के दही में जो पकना है एकदम बड़ा बड़ा गुरु गुरु हो जाए गुरु भी नहीं पाते तो उका हम के अब एक डिसीजन मेक करे पड़े राइट हम गिव अप कर दी कि हम आगे बढ़े 40 इयर्स अब एक उका कभी गिव अप नहीं करे उका कौन सी करे और हम के उका बटन देख ऊंचा पहाड़ में जाए हमारी 150 डेज वहां पे 150 टू 160 डेज अपन जो टोंट है बीक है पत्थर में मारी 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 जब तक टूट नहीं जब टूट जावे खून छुए लगे लेकिन वो अपन घोषणा में ले जाने की प्रभु में ताकत टूट के खून छुए लगे फिर 60 डेज लगे इसके टोंट बढ़ते जब टोन इसके बढ़ जाए वही टोन से फिर अपन सब नखूनों गिंच के निकाले सब नखूने से गिंच के निकाले गिंच के निकाले गिंच के निकाले सब तक खलास नहीं होते नखून निकाले एक बार जितना पकना है उसके घड़ू होएगे सब पकना अपन टोन के गिंच के निकाले और फुल टाइम अपन पार में वहाँ पे देख होना अपन लाइफ में से जो चीज उसके घड़ू करके रखी गिरा जो चीज उसके रोक के रखी गिरा उगाम को यीशु मसीह की सामर्थ से बोले सब चीज गिच के निकाले गिच के निकाले सब चीज गिच के निकाले आफ्टर 160 डेज उसके नवा नखून जम जाए उसके नवा पकना रहे उसके नवा बीग रहे उका भी टोटली रिन्यूड ऐसा लो टोटली रिन्यूड तो बाइबल बताए वी बिलीवर्स शुड बी लाइक ईगल्स हमों के भी लाइफ में बहुत दिन से कुछ है बहुत दिन से हमों के घड़ू करके बहुत दिन से हमों कुछ खन नहीं पाते अब हमों के टाइम है उस चीज के मारो मारो पिराई पेशरो पिराई इट विल हर्ट पिराई पिराते करी बट याद करना प्रभु सब टाइम साथ ही नो मैटर पिराई की नहीं प्रभु सब टाइम साथ पिराई 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 बट जब तुम देखेगा आफ्टर द होल प्रोसेस तुम्हार लाइफ टोटली न्यू हो जाए उकाब के पास अनादर 30 इयर्स रह जिए फिर और
टाइम्स तुम 40 इयर्स में मर जाएगा और सोचेगा 40 इयर्स में मर गया, बिकॉज तुम अपन आपके रिन्यू नहीं कर रहे। और हम के रिन्यू करें कि अपन माइंडसेट, हम के रिन्यू करें कि हम के विजन, दो चीज हम के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट और विजन, माइंडसेट और विजन हम के सब टाइम चेंज करें। आज के रोज यीशु मसीह जेरूशलम गधा ऊपर बैठ के सब कोई बोलता रहा, होजाना 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 टू द हाईएस्ट, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। बट यीशु मसीह के मालूम रहा ठीक 5 रोज बाद उसके लाइफ में कौन चाहिए एक ऐसे पीड़ा है, पीड़ा है जनता रहा यीशु मसीह प्रभु है वो रिन्यू, बट तू छोड़ के बगीस नहीं बगीस चलो तू छोड़ के और कह दे नहीं, सब टाइम प्रभु जान के भी ये जस्ट इमेजिन करी इमेजिन करना प्रभु नहीं आता। आज हम आज ऐसे नहीं बैठता चलो, हम पाप करता अभी तक मर जाता प्रभु तुम्हें छोड़ के नहीं जाए पीड़ा तुम्हारा साथ रही कली हम के अपन माइंडसेट और अपन विजन चलो। और प्रभु पांच संडे के 5 रोज बाद क्रूसीफाइड, इतना ब्रूटल क्रूसीफिक्शन, इतना खराब से मारा गया बोले दुनिया कोई नहीं मारा गया। बट 3 रोज 3 रात बाद यीशु मसीह कौन सी गाइस ही वाज रिन्यूड प्रेज द लॉर्ड, पीड़ा सह कर पड़ी टू बी रिन्यूड, यू हैव टू गो थ्रू पेन टू बी रिन्यूड। अगर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, एक को प्रॉब्लम नहीं एकदम स्मूथ चले, कुछ खराब है तुम्हारे लाइफ में तो कोई जगह कुछ गड़बड़ है, और जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है खुशी रहो बोलो कांग्रेचुलेशंस बिकॉज हमें क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के लाइफ में प्रॉब्लम रही क्रिश्चियन के लाइफ में पीड़ा रही सुनो सब के लाइफ में पीड़ा रहे, और उन पीड़ा से के जब हम जीवित बाहर आएगा तब हम रिन्यू होगा हम के लाइफ टोटली चेंज होगा सुनो हम के लाइफ एक रकम से चेंज हो जाएगा, हम सोचेगा कि कैसे चेंज सुनो हिब्रूस 13:5 सब प्रीचिंग में आता है चीज ही सेड आई विल नेवर leave you, I will never forsake you. चाहे तुम्हारे लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, कितना बड़ा रोग आ जाए, कितना बड़ा बीमारी आ जाए, कितना बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए, प्रभु बताए हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु बताए कि तुम कोई भी जात के रहो, कोई भी धर्म के रहो, कुछ भी रहो, हम I will always love you. God hates sin, he loves the sinners. पाप से यीशु मसीह नफरत करे, पर जो पापी लोग हैं प्रभु उन लोग से प्यार करे। हम उनके दिमाग में रख पड़े कितना हम सोच रहे कि चर्च कली हौली जानों के लिए, हम उनके माइंडसेट में कि चर्च कली हौली हौली जाने जो रोना दारू तमाकू नहीं पिए जो कहीं नहीं जाए उन के लिए चर्च है, बट वहां आप लोग होता है चर्च एक अस्पताल है, इस अस्पताल में बीमारियां लोग जाने चेंज भी एक अस्पताल है, जो मांगे अपन जिंदगी चेंज करें चेंज भी एक अस्पताल है, यीशु मसीह अस्पताल तो जितना जब इस ऑफर को एवरीवन तो बोलो गिवे की तो की करता है प्रभु तुम्हें रोक ले ई करता है प्रभु सब के लिए अपन जान दे रहा प्रभु सब के प्यार करे, चाहे हम बहुत दरार के लोग बहुत कम लगता है नेपाली चाइनीज चटनी हिंदुस्तानी महाराज की गुरु की कुछ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु सब के एक रकम मांगे सब के एक रकम प्यार करे और सब का प्यार करे। लास्ट में एक स्टोरी हमके जो यीशु मसीह है बोले इज अ क्रिएटर, इज अ क्रिएटर, उसके जो माइंडसेट है और उसके जो विजन है उका के रखा था। तब एक आदमी एक पत्थर लाए, इतना बेकार लगे पत्थर कली व्हाइट कलर का पत्थर से लाया था, तो इसके लड़का पूछे पापा तुम भी पत्थर से पूछी करता अभी पापा बोले इसको भरी नहीं करो तुम देखना पूछी करता है अभी पत्थर के यदि चीजल और हमा लेके ठोके 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 2 महीना कंटीन्यूअस ठोकेस चीजल और हमा लेके ठोके 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 2 महीना बाद ये लड़का ने शॉक करके कि ये सराला पत्थर एक रवीस पत्थर वहां मिट्टी में खोद के निकाल के आज इसे बहुत ही पानी एक सुंदर घोड़ा के मुंह बना दिया सुंदर और बेचारी सुना
मिलियंस 2.5 मिलियन रिलीज बिकॉज़ वो पत्थर के नाते तब हमो के लाइफ एक स्टार्टिंग में पत्थर के काम हम गीला में से किचन में से निकल के आए बट प्रभु हमो के तब भी प्यार है वो आदमी सकता है वो पत्थर का भी दे पत्थर नहीं मतलब वो महिला को मिला बट जीसस और हम अलग के काफी करते हैं करते रहा करते रहा और एक हम प्रभु हमो के काम करते 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 हमो के यहां कुछ खराब है ठोक के निकाल हमो के यहां कुछ खराब है ठोक के निकाल वहां कुछ खराब है ठोक के निकाल और जब तुम पूरा रिन्यू हो जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड जब तुम पूरा रिन्यू हो जाएगा यू विल बी प्राइसलेस प्रेज़ द लॉर्ड स्टैंड आउट लाइक तुम प्रेज़ द लॉर्ड बिकॉज़ प्रभु तुमसे प्यार करे कभी नहीं छोड़े सब टाइम संगी संगी सब और एक स्टोरी है सब टाइम पास्ट टाइम को दे उकाप के तो पार्क में अंडा रह बोले रो रोते 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 आए कि मुर्गी के दरबार पास आ गई अब तो फार्म वाला है बोले अंडा होता है कि मुर्गी पास रहती है तो मुर्गी की तो बड़ा अंडा अब मुर्गी बैठ बैठ के अंडा फोड़ दी चला अंडा अब ये जो डिफरेंट निकला बच्चा ये डिफरेंट लगा मतलब तो अच्छा पर ये तो कहते हैं हाइब्रिड मुर्गी है बोले हाइब्रिड मुर्गी है अब ये बच्चा लोग ने एकदम डिफरेंट लगे बड़ा है कौना बड़ा है कौन डिफरेंट है बट ये मुर्गी लोग के संग रह रहे के मुर्गी लोग के काम भी मैदा खावे खाना खावे नहीं जाने इसके पर पकना है बड़ा नहीं जाने मुर्गी लोग के देख के वो भी फॉलो करे से करते फॉलो करे आज हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग राइट रूम जोन जोन में वो लोग के देख के हम लोग को दिया था फॉलो हमारा फ्रेंड ऐसे हम भी देख हम भी ये खाएगा वो खाएगा छोटे छोटा चीज खाएगा बट एक दिन ऐसी जो सेकंड में बच्चा रहा बड़ा अंडा रहा एकदम बड़ा हो गया प्रभु भी मुर्गी लोग भी संगे एक दिन ऐसे उठाए कि आसमान में देखिए कि ओखना ईगल ऐसे है आसमान में से उड़े और चिल्लाए एक रकम से ईगल लोग चिल्लाओ चिल्लाए अपन ही अपन बच्चा खोजे अपन बच्चा के खोजे 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 अब ये ईगल उठा के ऊपर देखे ये तो हमारा कम लगे हमारा कम लगे आसमान में उड़े इतना सुंदर लगे हमने देखो मुर्गी के महिला ने जी के खाना खाए कैसा हम के लाइफ कैसे हो जाए एक्चुअली में वो अंडा बोले रोल होते होते एक बास एक उकाब के अंडा उनको एक मिस्टेक से आए कि यहाँ आए और उकाब जब बड़ा वे यही पे नीचे फ्लोर में जैसे सबको जिए जैसे फ्लोर में तो जिए मुर्गी लोग कहता महिला में जिए ये वो मुर्गी लोग कहता हम जीत रहा बट एक्चुअली में वो उकाब रहा वैसे लोग उसके कहा रह रहा उसके रह रहा आसमान ये है टू फ्लाई वैसे लोग सबसे डेंजरस चीज रहा और वो है आसमान में सबको डरता रहा उकाब से अभी भी और सिर्फ उकाब को डरे आई इन हेल टू हेल उकाब रह रहा उसको उकाब बट उसके माइंडसेट कौन सी रहा कि वो है विचार वो अपन माइंडसेट चेंज करें पुलिस देखिए अपन पकड़ा देखिए पकड़ा पुलिस पकड़ा बड़ा स्कूल के फिस्ट है माइंडसेट बोले देखिए हम ट्राई करें हम आज ट्राई करें माइंडसेट चेंज करें जब अपन विजन ऊपर उठाई देखिस अपन नजर चेंज करें उसके आँख खुला कि ये हम मुर्गी नहीं है हम मुर्गी नहीं है कौन सी हम है उका हमें यहाँ नीचे नहीं जिए कि हमने कहा जिए कि ऊपर वहाँ जिए कि आसमान में हम कह रहे कि वो इनका हम क्रिश्चियन हम हो के नीचे नहीं जिए कि हम हो के अपन माइंडसेट चेंज करें हमों के पीड़ित के पीड़ित जो चीज सिखाते आए से वही तो लाइफ नहीं माइंडसेट चेंज करे पड़ी हमों के अपन नजर उठाए के ऊपर देखे पड़ी कि ऊपर भी हाँ कोई है हमों के उसके अपन देखे पड़े तो ये जो एक्टिंग करके मुर्गी रहा ये अपन पकड़ा ऐसे हिला के स्टार्ट के आसे से उड़े रहा शो को एक फार्मा भी आए देखे बोले हाँ मुर्गी उड़े रहा उड़ के जल्दी सुपर भेजो लो जहाँ पे उसके रह रहा कब होए जब हमों अपन माइंडसेट चेंज करेगा जब हम अपन विजन चेंज करेंगे सुनो हम के अपन नजर ऊपर उठा के देखे कि हाँ खुदा हमारे साथ है अपन दिमाग नहीं यूज करेंगे प्रभु के दिमाग यूज करेंगे तो चलो समझे कि समझा हम के प्रभु के दिमाग यूज करेंगे इसलिए देख के बोलो प्रभु के दिमाग यूज करना हाथ से देख के बोलो प्रभु के दिमाग यूज करना हाथ से प्रभु के दिमाग यूज करना हाथ से प्रभु के दिमाग यूज करना हाथ से अपन दिमाग यूज करेगा बंद कर दो खलास तुम सोचता है दिस इज इम्पॉसिबल पर प्रभु बोले दिस इज पॉसिबल हम के आगे में कभी यही तक दिखावे यह करना प्रभु फ्यूचर भी देख ले पापा आगे भी देख ले प्रेस लॉर्ड हम के यीशु मसीह पे सब टाइम अपन ट्रस्ट फुली वे फुल ट्रस्ट करो प्रभु की जय आमेन प्रभु की जय आमेन तो आज से आप लोग 2 जनवरी फेस्ट है तुम यीशु मसीह का दा
সেকেন্ড তুমি হচ্ছে ইগল উকা তুমি উকা কমে নিচে নিচে কেন প্রেস হলো তুমি উকা কমে উপর চলে যাব লাস্ট ইজ দ্যাট তুফান আওয়ে जब तूफान आवे उकाप लोग एकदम खुशी हो जाए सबसे फेवरेट टाइम है जब तूफान आवे उकाप लोग एकदम एकदम खुशी हो जाए काहे खुशी हो जाए जब हवा चले लोग तूफान के ऊपर बोले से सके संगे चले गए लोग अच्छा है तो हम के भी जब लाइफ में तूफान आवे वैसे लोग हम के भी खुशी हो जाए थोड़ी कि एक दिन आए हम के तूफान के ऊपर से चले वैसे लोग हम के फुल टाइम नीचे नहीं रहते प्रभु के साथ हम एक दिन तूफान के पार करके प्रेज़ द लॉर्ड फिर हम सब आज बन रहे पाथ में जाएंगे इधर मेरे सारे सुन रहे समय के प्रभु जैसे मैंने आपको वचन को बांटा है प्रभु कि हम सब को उखाप की तरह रहना है परमेश्वर हमें अपने मन को बदलना है हमें अपने आप को बदलना है परमेश्वर हमारे मन परमेश्वर आपके मन बन जाए हमारे आप परमेश्वर आपकी आँख बन जाए परमेश्वर हमारे आप को खोल परमेश्वर सही राह दिखा परमेश्वर हमारे मन को बदल परमेश्वर और आपके विश्वास के परमेश्वर सभी को जीवन को काटे चाटे और बदले परमेश्वर कोई भी तूफान इनके जीवन में परमेश्वर हम उकाब की तरह परमेश्वर इस तूफान को परमेश्वर ऊपर से मान करते परमेश्वर सभी को शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु परमेश्वर जो भी जीवन ये जी रहा है सिर्फ आप ही के लिए उसके नाम से इस पैदवी को बजाते हैं के नाम ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद विश्वास करता है कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है जैसे बताया है कि आज हम सब अपने माइंड सेट अपने दिमाग को बदलेगा परमेश्वर के दिमाग पे रहेगा तो परमेश्वर की आशीष हम के जीवन में रहेगा तो आज से हम अपना दिमाग अपना ख्याल अपना विचार को बदले और प्रभु का मन को मांगे प्रभु अपना मन दे अपना बुद्धि अपना समझ दे ताकि हम पवित्र जीवन को बिता सके परमेश्वर सभी को आशीष दे क्यों ना हम सब खड़े हो जाए।